नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा अजमेरा फैशन से। आज पिछले डेढ़ महीने से मैं लंदन में था दोस्तों, तो जब मैं वापस आया तो मुझे एक फिल्म का पोस्टर कहीं नज़र आया कि केम छो लंदन, तो मुझे बहुत उत्सुकता हुई कि मैंने कहा ये क्या है, कौन सी मूवी है, कैसी मूवी है। तो फिर जब उसका ट्रेलर रिलीज हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शानदार लगा। कुछ ऐसे लगा कि भई हाँ, लगभग स्टोरी जो आम परिवारों में चलती है वही स्टोरी चल रही है, ऐसा उसके ट्रेलर को देख के मुझे लगा। और लंदन में था तो कुछ लंदन की यादें वापस ताज़ा हो गई मेरी, तो मुझे लगा कि क्यों ना ये हमारी जो मदर टंग गुजराती जो हमारी खास लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में ये मूवी बनी है, तो इस मूवी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। इस मूवीज़ में क्या क्या हुआ है वो बातों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज सूरत में इस मूवी के स्टार कास्ट आए हुए हैं और साथ ही आए हुए हैं डायरेक्टर, जो जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है वो हमारे साथ मौजूद है। तो हम कुछ लंदन की पुरानी यादों को मैं अपनी भी ताज़ा करूंगा और उन लोगों से भी बातें करूंगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उन बातों को आप लोग भी बहुत एंजॉय करोगे, लंदन वापस याद आने लगेगा हम लोग को, और देखेंगे और मिलेंगे इन सब के साथ। कि मूवी तो आप लोग देखिएगा ही तो आप लोग को सब चीज़ पता लगेगी, लेकिन आज यहाँ बैठ के जो मज़े होने वाले हैं, जो बातें होने वाली है, उससे आप इस मूवी का क्रेज़ और ज़्यादा आप लोगों को बढ़ जाने वाला है। तो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ हमारे इस सेशन में, इस वीडियो में मूवी के स्टार हैं मित्र जी, लीना जी, मानस जी और हमारे डायरेक्टर सर अंकित जी। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अजय जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने समय निकाला अपने इतने बिजी शेड्यूल में से, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है। और सबसे बड़ा मिलने का मेरा कारण एक ये था कि लंदन के जो सीन आपने दिखाए हैं ना, वो लंदन आई और वो पिकेडिली स्टेशन पर बाहर निकल के जो वो LED वगैरह लगी रहती, वहाँ मैंने भी अपनी फ़ोटोज़ खींची थी। वो सब सीन मुझे याद आ गए, तो मुझे लगा यार लंदन तो लोगों ने देखा है, देखते भी रहेंगे, गुजरात को और गुजराती लोगों को इतने अच्छे ढंग से देखने का मौका और कहीं नहीं मिलेगा, तो क्यों ना मैं भी आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ बातें करूं जो हमारे लोगों तक पहुंचा पाऊं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने समय निकाला। पिछले बेटी मेरी लंदन रहती है और पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी, कंप्लीट हो गई, 5 जुलाई का उसका कन्वोकेशन था। अच्छा। तो मैं उसके लिए जून में 29 जून को यहाँ से लंदन गया था। अच्छा। उसके पहले दिसंबर में भी मैं गया था, जो आपने वो जैकेट पहन के सीन निकाला ना, वैसी जैकेट मेरे पास थी। यहाँ तो इतनी ठंड पड़ती नहीं है, लेकिन वहाँ वो जैकेट पहनने का आनंद ही अलग है, वो टेम्परेचर -3 -2 बहुत ज़बरदस्त। तो उसको ऑफिस करवाना था मुझे बिजनेस के लिए आगे, तो मैं 1.5 महीना वहाँ रुका था। यहाँ आते ही जब मुझे वो सब सीन वापस दिखे तो बहुत खुशी हुई मेरे को, वो पोस्टर्स में, वो ट्रेलर में, तो मैंने कहा आप लोगों से बातें करूँ। तो सर कुछ आप शेयर कीजिए, जो मोमेंट आप लोगों ने ये फिल्म की शूटिंग करते हुए कुछ अच्छा लगा आप लोगों को, वहाँ कैसा लगा, वो सब कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए उसके बारे में। सबसे पहले आपकी बेटी को ढेर सारी शुभकामनाएं, उनका कन्वोकेशन था उसके लिए। दूसरी चीज़, जैसे आपने कहा कि आपकी बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई लंदन से, अब जब वापस आए और आपने ये पोस्टर देखा, तो ठीक उसी तरह हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि इस फिल्म के ज़रिए गुजरात और गुजरात के बाहर रहने वाला हर गुजराती, स्पेसिफिकली गुजराती फिल्में, इसलिए हम हर गुजराती को टारगेट ऑडियंस में गिनते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर कोई भी जब ये सिनेमा लवर इस फिल्म को देखेगा तो वो अपने आप को रिलेट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लगता है ऐसा ट्रेलर देख के। तो ये फिल्म एक पूरी फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है, जिसमें आपको सिनेमैटिक ब्यूटी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको दोस्ती, रोमांस, मस्ती, फैमिली एंटरटेनमेंट, फैमिली वैल्यूज़, सब कुछ देखने को मिलेगा।
तो ये जो भी देखेगा वो डेफिनेटली बहुत खुश होकर सिनेमा से बाहर निकलेगा और लोगों को जाके डेफिनेटली बताएगा कि ये फिल्म देखनी ही चाहिए। तो इस फिल्म में वो सब कुछ है जो हम एक एंटरटेनिंग फिल्म में एक्सपेक्ट करते हैं। तो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा, टीम बहुत ही बढ़िया है। हमारे साथ अंकित सर हैं और दूसरे डायरेक्टर जो सनी सुरानी जी हैं, जो प्रोड्यूसर भी हैं और वो डायरेक्टर भी हैं। तो दोनों ने मिलकर डायरेक्ट की है, तो वी मिस हिम टुडे। बट या तो इन लोगों ने बहुत अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है और हम सब ने भी बहुत मेहनत की है ताकि ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस पर हम खरा उतर सके। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज़ मैं व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, गुजराती बोलते भले ही हैं कि ये गुजराती मूवी है, लेकिन लैंग्वेज एकदम आम हिंदी वाले सब समझ लेते हैं, बिल्कुल समझ में आता है। मैंने एक मूवी देखी थी चलो जीवी लेइए, चल जीवी लेइए, एकदम मतलब कहीं ऐसा फील ही नहीं होता, मेरे को इतनी ज्यादा गुजराती आती नहीं है, लेकिन एकदम आराम से वो पूरी मूवी समझी जा सकती है, बहुत अच्छी मूवी। जैसे आपने कहा कि आपको गुजराती नहीं आती फिर भी आपको फिल्म समझ में आई, बिल्कुल। तो ये फिल्म भी ऐसी है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि NRIs जिनको हिंदी भी ज्यादा अच्छी तरह से नहीं आती वो भी इस फिल्म के साथ जुड़ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, बिल्कुल इमोशंस टच करेंगे। ये फिल्म तो वैसे भी सबटाइटल्स के साथ रिलीज हो रही है, अच्छा अच्छा, हर जगह पे, क्योंकि इंडिया के बाहर भी रिलीज हो रही है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा में, तो यहाँ पे भी और हर जगह पे सबटाइटल्स है, क्योंकि गुजरात में भी बहुत लोग हैं जो गुजराती नहीं जानते लेकिन गुजराती फिल्म्स को पसंद करते हैं। तो हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का ये कॉल था कंबाइंड कि इसको सबटाइटल के साथ रिलीज करें ताकि लोग समझ लेंगे सुन के, अगर नहीं समझ आया तो पढ़ भी लेंगे। बिल्कुल 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 सर, जैसा अपन अभी अभी लेटेस्ट में मैं देख रहा हूँ, हालांकि देखिए बॉलीवुड बहुत बड़ा है लेकिन टॉलीवुड फिल्मों का जो एक क्रेज आ रखा है वो बहुत ज़बरदस्त है। वो साउथ इंडियन मूवी, वो एक्शन, एक लात मारो तो फुटबॉल की जैसे कहीं का कहीं पहुंच जाता है विलेन, तो उसका क्रेज बहुत ज़बरदस्त आ रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हाल फिलहाल में पिछले दिनों में जो गुजराती मूवीज़ ने जो किया है काम जी, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में गुजराती मूवीज भी धूम मचाएगी, धूम क्या टॉलीवुड और बॉलीवुड को भी पीछे छोड़ देगी? डेफिनेटली होने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम के बाद ये टॉलीवुड और बॉलीवुड जो आप बोल रहे हैं वो लोग भी गुजराती फिल्में देखना शुरू कर देंगे और उसको डब करवा के अपनी लैंग्वेज में अडॉप्ट करना शुरू, अपनी लैंग्वेज में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो ट्रेलर जब देखा ना तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, लीना जी को तो देख के बहुत बहुत सुंदर लग रही थी आप मूवी में भी और आज भी बहुत अच्छी लग रही हैं आप। सर हमारी फिल्म तो लंदन में शूट हुई है जी जी, पर अभी हमने सुना कि आप भी ऐसा लंदन भी जाके आए और आपको वहाँ पे शूट भी करने का मन हुआ, इनका हुडी देख के आपके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई एक्टर बसा हो ऐसा हमको लग रहा है। अच्छा पता नहीं सर एक्टर है कि नहीं, कोई डायरेक्टर चाहिएगा उसको बाहर निकालने के लिए, मैं अंकित सर से अभी यही कोशिश कर रहा हूँ कि देखना सर स्कैन कर लेना मेरे को जितना अंदर तक पूरा उनका तो चल ही रहा होगा, लेकिन आप भी बताइए आपकी जर्नी। एक्चुअली सर मैं जब 1992 में पढ़ाई करके सूरत आने का मौका मिला था, मौका क्या मिला था, घर वालों ने बोला जाओ कुछ करो अब पढ़ाई हो गई, BSc मैंने किया था, तो उस समय वो बॉलीवुड की फिल्में आती थी, मैंने प्यार किया, दिल, सब चकाचौंध सवार थी, तो मैं सोचा कि गुवाहाटी का भी मुझे ऑप्शन मिला था, आसाम भी जाके बिजनेस कर सकते हो, वहाँ भी कुछ रिलेशन वाले रहते थे, सूरत भी रह सकते, तो मैंने सूरत चुना। मैंने कहा मुंबई से यहाँ से तो बहुत दूर है, सूरत से तो नज़दीक है तो सूरत चलते हैं फिर आगे कोशिश करेंगे मुंबई तक पहुँचने की। करेक्ट, और गया भी था सर एक रात के लिए हीरो बनने के लिए, लेकिन जब वो कालबा देवी में गद्दी में सोना पड़ा ना एक रात एक ही रात में वापस आ गया था, मैंने कहा अपने बस का नहीं है, नियति को कुछ और ही मंजूर था जी। तो ये बिजनेस जो टेक्सटाइल का बिजनेस है उससे मैं जुड़ा, अपनी जो जर्नी है 1992 में पहले मैंने सर्विस करी एक बहुत अच्छी लीडिंग कंपनी के अंदर और फिर हमने अपनी अजमेरा फैशन की शुरुआत करी 2011 में। अच्छा जी 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 सर, जैसे कि हमने भी सुना कि अजमेरा फैशन काफ़ी कुछ गर्व की बातें कर रहा है औरतों के लिए, जैसे कि पता चला 5,000 ज़्यादा से औरतों की आपने मदद की है, घर बैठे काम शुरू किया है उन्होंने और उसकी वजह से आपको अवार्ड भी मिला है। सो ये बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए ये जानना कि
क्या इसकी स्टोरी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप तो ऑलरेडी बिजनेस वूमेन ही बोलूँगा मैं, आप ऑलरेडी एक बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, ये बिजनेस ही है आपका भी, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना, वो बहुत आज के टाइम पे एक घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, और ख़ासकर औरतों के लिए ऐसा होता है कि छोटी छोटी ज़रूरत के लिए भी उनको अपने हस्बैंड या अपने फादर या अपने भाई किसी के आगे भी हाथ फैलाना पड़ता है। और सूरत में खास ऐसा सिस्टम है, यहाँ बल्क डीलिंग होती है सर, बड़े लोग, बड़े जो व्यापार करते हैं डीलर होलसेलर, उन लोगों को कपड़ा दिया जाता है। तो ये प्रॉब्लम को मैंने फेस किया था सर, जब मैं सर्विस करता था यहाँ पे, तो छोटे लोगों को कोई भी सपोर्ट नहीं करता था यहाँ पे। अच्छा। जो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या कोई एक रिटेलर आता है कहीं बाहर से, सूरत में ऑल ओवर वर्ल्ड कपड़ा जाता है सर, पूरे यहाँ जो बनता है ना वो कहीं नहीं बनता है सर, यहाँ से 100 किलोमीटर आगे आप जाएंगे तो भी नहीं बनता है, क्योंकि सिंथेटिक यान जो होता है ना वो यहीं चलता है, यहाँ के क्लाइमेट में ही चलता है, तो ऐसी मोनोपोली चीज सूरत बनाता है, लेकिन यहाँ सपोर्ट नहीं करता है लोगों को और ख़ासकर महिला को। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर कोई महिला बिजनेस करना चाहती है छोटे रूप में, तो वो हमारे साथ जुड़कर इस बिज़नेस को कर सकती है। मैंने ये सोच के अजमेरा फैशन की शुरुआत करी थी, और आज हम उसमें बहुत अपने आप को सक्सेस मानते हैं। ऐसे तो अगर मैं बात करूं तो 75,000 प्लस कस्टमर्स ऑल ओवर वर्ल्ड के हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस बिज़नेस को करते हैं, चाहे उसमें डीलर हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर्स हैं, महिलाएं हैं, सब हैं। लेकिन सबसे बड़े गर्व की बात हमारे लिए ये है कि हमने 5,000 महिलाएं हमारे साथ जुड़ के, जो कि आपने बताया, उन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया घर से। क्या बात है, क्या बात है। और उसमें से भी 100 प्लस लेडीज ऐसी होंगी जिन्होंने इस बिज़नेस को घर से स्टार्ट किया था, और आज वो शॉप में कन्वर्ट कर चुकी हैं, और उनके घर का कोई जेंट्स उनके साथ इन्वॉल्व है उस बिज़नेस। बहुत बढ़िया, बहुत एक मोटिवेशन मिलता है आपकी बातों से, और एक इंस्पायरिंग है। तो इसलिए मैं थोड़ा फ्लैशबैक में जाना चाहता हूँ कि वो सिक्कर की गलियों से गुजरात के सूरत की भीड़ भाड़ में आप आ गए, वहाँ तक की सफ़र कैसी रही? बहुत अच्छा सफ़र रहा सर। मेरा एक खास नेचर है, या मुझे मेरे पापा ने सिखाया है, बेटा जो भी काम करे शिद्दत से करना, पूरी मेहनत से करना, पूरी तल्लीनता से करना। भले ही तू मोची बनना, लेकिन तेरे जैसा मोची शहर में दूसरा नहीं होना। वाह, क्या बात है। वो हमेशा मुझे ये बात कहते थे। और मेरा क्या है, मैं कोई भी चीज़ होती है ना तो उसमें घुस जाता हूँ पूरे तरीके से। वाह। पापा एक रेडियो लाए थे, बहुत बड़ा सारा, बचपन में। तो मैं क्या किया, वो रेडियो पे जब वो सुई उसकी इधर से उधर चलती थी ना, तो गाना चेंज हो जाता था। मैं बोला यार इस इतने से डब्बे के अंदर ऐसा क्या है कि अलग अलग आवाज़ें आती हैं, अलग अलग हीरो आते हैं, अलग अलग वो गाने सुनने को मिलते हैं। मैंने उस रेडियो को खोल दिया था सर। पूरा नया रेडियो लाए थे, बड़ा सारा, उसको खोल के रख दिया था। तो भैया ने आके डांटा मेरे को, मेरे से बड़े भैया ने, ये क्या किया। तो पापा ने उस समय भी एक ही बात बोली, बेटा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वाह वाह। तो मेरे को बहुत, मेरे पापा ने जो मेरे को सपोर्ट किया है, उन्होंने मुझे भेजा यहाँ पे सूरत, और यही बोल के भेजा था। जब ये बातें मैं उनकी बचपन से सुनते आया था, उनसे मोटिवेट होते आया था, तो जो भी किया मैंने, सर्विस करी या गुजरात में मैंने दलाली करी या कुछ भी किया, फुल एकदम तल्लीनता से साथ किया। और सन 2011 में जब अजमेरा फैशन की शुरुआत करी, तो वो भी एकदम पूरी तरीके से उसके प्रति समर्पित होकर पूरा काम किया, और आज रिजल्ट आप देखिए। वाह, शत शत नमन आपके पिताजी को, इस ब्रह्मांड के हर माता पिता को, कि जो हमेशा अपने बच्चों के लिए इतने सेक्रीफाइसेस देते हैं, इतना ज्ञान देते हैं, कि ताकि हम लोग अपना एक मुकाम हासिल कर सकें। बिल्कुल, अगेन आपके पिताजी को शत शत नमन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी आप बता रहे थे कि ट्रेलर देख के आपकी लंदन की याद ताज़ा हो गई,
तो आप बताइए, आपने क्या किया लंदन में, आप कब घूम के आए, क्या रहा, कैसा रहा सफर? बहुत बहुत कुछ घूमा लंदन में मैंने, ऐसे ठंड में भी मैं गया था, मैंने जैसा कि बताया आप लोग को क्रिसमस के टाइम पे। अच्छा। क्या जबरदस्त वहाँ डेकोरेशन होता है, क्या अलग ही लाइफ है वहाँ की। पर वो है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है मेरा भारत महान। करे, वो करे। कितना भी आप कहीं रह लो, मैं एक महीने बाद तो मुझे ऐसे लगने लग गया था सर कि मैं कब वापस इंडिया पहुंचूं, जाना है वापस। ये हमारे मानस ऐसे ही है सर। हम लोग जब शूट कर रहे थे तो जैसे ही शूट खत्म हुआ तो शूट के पहले हम लोगों ने, कुछ कुछ लोगों ने टिकट्स एक्सटेंड करवा ली कि भाई अब लंदन आए हैं तो 25 दिन शूट हुआ तो घूमेंगे कब। अच्छा अच्छा। लेकिन शूट खत्म होने के 6 घंटे पे ये आदमी फ्लाइट में बैठ गया था। ज्यादा दिन मन नहीं लगता है, ठीक है वो चकाचौंध है, सब कुछ एक अलग है, डिफरेंट है, वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, वहाँ के सब चीज नॉर्म्स इतने ज्यादा कड़क हैं, आप रोड भी क्रॉस करो तो वो एक बटन दबा के आपको क्रॉस करना है, सब चीज अच्छा है, बहुत बढ़िया है सब कुछ। अच्छा मैं एक चीज आप लोगों से जानना चाहता हूँ, सभी से, मित्र भाई से भी, मेरे बगल में बैठे हैं तो खास ऊर्जा मेरे अंदर आ जाए इसके लिए खास इनसे भी पूछ रहा हूँ, लेकिन सबसे ही पूछ रहा हूँ, जैसे मेरे अंदर ये कीड़ा था सर एक हीरो बनने का बचपन से, क्या वो बचपन से होना जरूरी है, क्या बचपन से आप लोगों में भी बचपन से था या बाद में आपको कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिली? कीड़ा तो बचपन से था। अच्छा। डेफिनेटली, क्योंकि मुझे याद है बहुत छोटा था तब भी मिरर के सामने गाने शाहरुख खान के मैं इनेक्ट करता था। अच्छा। दिवाली में फैमिली गैदरिंग में करता था, तभी पापा को आइडिया लगा कि ये भाई कहीं और जा रहे, तो फिर उन्होंने बोला कि थिएटर कर लो। क्योंकि एक्टिंग के लिए हम सभी थिएटर करके आए हुए हैं। अच्छा। सालों सर ने बहुत डायरेक्ट किया है थिएटर, बहुत सालों मैंने भी बहुत साल थिएटर्स किया, तो थिएटर बेस है एक्टिंग का ऐसा मुझे लगता है। okay. कि कोई भी अगर एक्टर बनना चाहे लाइफ में तो मुझे, मैं एडवाइस देने के लायक तो मैं हूँ या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर कोई मुझे पूछता है कि क्या किया जाए तो मैं बोलता हूँ थिएटर। सर आप एडवाइस देने लायक हैं सर, ऐसा मत कहिए आप, आपकी सुपर हिट फिल्म होने जा रही है। नहीं फिर भी सर, लंदन सर, एडवाइस क्या कोई देगा, आपसे लोग क्लास लेंगे सर, और मैं तो ले रहा हूँ खास, बगल में बिठाया मैंने आपको स्पेशली। पर थिएटर वो बोलते हैं ना कि वो फाउंडेशन, अगर अच्छा। वही मजबूत नहीं है तो ऊपर का बिल्डिंग हिल जाएगा, तो थिएटर करना, तो मैंने फिर थिएटर शुरू कर दिया, बचपन से ही कर रहा था, कॉलेज में गया, यूथ फेस्टिवल्स किए 6 साल, यूथ फेस्टिवल खत्म करने के बाद मुंबई चला गया, स्ट्रगल जैसे आप चले गए थे मैं भी चला गया था, एक दिन मेरा वाइवा खत्म हुआ मास्टर्स का, चला गया और फिर नहीं बनी बात, तो करते रहे कोशिश, फिर चलो दिवस हो गई तो है, लेकिन डायरेक्टर सर मैंने तो थिएटर नहीं किया है, बन पाऊंगा यूनिकनेस है, वही आपकी स्पेशलिटी है, आप डिफरेंट हो जाओगे। अच्छा अच्छा। एक रॉ जो मटेरियल होता है। अच्छा, कच्ची मिट्टी जिसको बोलते हैं, कोई भी रूप दिया जा सकता है, कच्चा माल तैयार करने को मजा भी आता है। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होने को तैयार हूँ सर, बस आप खाली बताइए क्या करना है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ही, मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स भी बहुत खुश होंगे इस मूवी को देख के। और मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजरात में ही नहीं, गुजरात के जो देख रहे हैं वही नहीं, सब हमारे जितने हिंदी भाषी लोग हैं वो सब इस मूवी को देखें, उनको आराम से समझ में आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे भी ऐसा लगता था पहले, लेकिन जब मैंने मूवी का ट्रेलर भी देखा, और इसके पहले मैंने गुजराती मूवीज़ भी देखी हैं, एकदम ऐसे फील ही नहीं होता है कि मैं हिंदी मूवी नहीं देख रहा हूँ, कई जगह तो हिंदी डायलॉग ही आ जाते हैं बीच बीच। जी 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 सर, तो अजमेरा की पूरी टीम को लेके जाइए आप हमारी फिल्म देखने के लिए, पूरा फुल हाउस करके हमें, हम फिर आ जाएंगे मिलने। बिल्कुल बिल्कुल, 100% मेरी पूरी टीम जाने वाली है, हम 350 हमारी अजमेरा फैमिली में 350 लोग हैं, वो सब के सब एक शो बुक करवा के हम इस फिल्म को। क्या बात, ये इसे कहते हैं कि बहुत सच्चा समर्पण एक कला के अप्रिशिएट करने के लिए। हम लोग तहे दिल से शुक्रिया कहेंगे एडवांस में ही, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपने कहा है तो डेफिनेटली आप जाएंगे, तो थैंक यू सो मच अप्रिशिएट करने के लिए, मेहनत को सराहने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। वेलकम सर, वेलकम। लीना जी, एक चीज मैं अभी मुझे पता लगी, आपने जैसे इस फिल्म में सुपर्ब एक्टिंग करी है, मैंने ट्रेलर देखा है, हीरोइन है आप, दो हीरो के बीच में जैसे यहाँ बीच में बैठे हैं वैसे, लेकिन कोई एक कुछ अभी सीरियल या कुछ ऐसा जिसमें आपने नेगेटिव रोल भी किया है?
जी तो नेगेटिव रोल एकदम से कैसे क्या ये एक्चुअली बेस्ट पार्ट होता है एक्टिंग का कि डिफरेंट डिफरेंट रोल करने के लिए मिलते हैं और जो आप नहीं हैं उस किरदार को भी समझ के आप उसकी थिन लाइन पकड़ के आप एक्ट करने का जब मौका मिलता है तो वो हमारे एक्टर के लिए भी चैलेंजिंग होता है। तो जब पहली बार मुझे नेगेटिव रोल ऑफर हुआ था 2011 आई गेस, तो मैं थोड़ी सी नर्वस थी कि मैं कैसे करूँगी नेगेटिव, और क्योंकि नेगेटिव में काफ़ी सारे शेड्स होते हैं, काफ़ी कुछ पोर्ट्रे करना पड़ता है जो मैं रियल लाइफ में नहीं हूँ। तो उस किरदार को समझ के वो काफ़ी चैलेंजिंग था और तब किया था मैंने, और उसके बाद नेगेटिव में मुझे लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और अब मैं ये फिल्म कर रही हूँ केम छो लंदन, इसमें एक नया ही किरदार मैंने निभाया है जिसमें डायरेक्टर्स एक्टर्स सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, गाइड किया, तो काफ़ी एक थिन लाइन पकड़ के मैंने एक्ट किया है एंड आई होप पब्लिक वो अप्रिशिएट करे मेरे नेगेटिव के अलावा भी है। यही तो कलाकार होता है एक्चुअली, कोई भी कार चलानी पड़े उसको चला लेता है, वो चाहे नेगेटिव वाली हो चाहे पॉजिटिव वाली हो। बहुत बढ़िया, ये आप लोगों में खैर ये टैलेंट तो है ही है, कूट कूट के भरा है वो टैलेंट। पर्दे पे कोई भी कैरेक्टर आपको बनना पड़े आप वो बन जाते हैं, ये आप लोगों की खास बात होती है एक कलाकार की। शुभकामना है हमारी उसके लिए भी आपको बहुत बहुत। मानस सर एक चीज़ आप बताइए, ये जो आप जो इतने फिट रहते हैं ये सब एकदम टकाटक ऐसे ये निकली हुई, हमारी तो जो आपकी यहाँ मेंटेन है वो हमारी यहाँ, इसके बारे में कुछ बता दीजिए सर। पहले तो आपसे मैं ये चलेगी ना थोड़ी? हाँ, बिल्कुल, 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 कोई दिक्कत नहीं, नहीं मैं कम भी कर लूंगा सर, आप बिल्कुल भी इस पे मत जाइएगा। और अभी मैं टिप्स ले रहा हूँ मानस सर, ज्यादा है तो बेहतर है वैसा, क्योंकि फिर वो फैमिली पैक में आ जाता है। अच्छा, नहीं मैं टिप्स भी ले रहा हूँ मानस सर से, व्यूवर्स को तो मैं टिप्स दे ही रहा हूँ मानस सर के द्वारा, खुद भी ले लूँगा, उनको ऑब्जर्व करूँगा और मैं फिट बन जाऊँगा, आप टेंशन मत करना बिल्कुल भी, बस नंबर मेरा नंबर रखिएगा आप खाली। प्लीज़ मानस जी बताइए हमें। कोई इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं टिप्स दे पाऊँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि एक एक्टर या एक आर्टिस्ट जो भी होता है, चाहे वो डायरेक्टर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, राइटर हो या एक्टर हो, कोई भी एक आर्टिस्ट कलाकार, जी जी जी, उसका शरीर उसका एक एसेट होता है जिसको उसको सालों तक संभाल के रखना है, मेंटली एंड फिजिकल हेल्थ। बिल्कुल, क्योंकि उसको जब शूट करना है तो बहुत लंबे समय तक हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, वरना फिर वो ज़्यादा लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकता। सही बात तो है। हमें जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। वाओ। तो ऐसा मेरा मानना है, तो ऐसी कोई टिप्स तो नहीं है, बट अगेन इफ़ यू आर हेल्दी, इफ़ यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ योर हेल्थ देन इट्स फाइन, अदरवाइज फिटनेस तो जरूरी है ही। जी बिल्कुल, कोई भी रोल हो, भागने का रोल हो, कोई भी सर, बिजनेस में भी ये चीज है, मैं मेहनत खाली मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए, कमाने के लिए शरीर पे ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, तो मैं कमा लूंगा खूब सारा, उसको एंजॉय नहीं कर पाऊंगा जब शरीर नहीं रहेगा। जब दांत थे तो खाने को नहीं था, जब लेकिन वो फिट है तो ही इज एक्टर, और एक्टर दिखने वाला है। जैसे आपने बिजनेसमैन की वो की, तो बिजनेसमैन भले फ्रंट ऑफ द कैमरा तो नहीं है, तो एटलीस्ट बाकी सब चीजें वो मैनेज कर सकते, लेकिन जब आप फ्रंट ऑफ द कैमरा आते हो और अगर आप एक पर्टिकुलर लुक में नहीं हो तो आपको एज इंस्पिरेशन कौन देखेगा? सही बात, सही बात, इंस्पायर पीपल, सही बात, लगना चाहिए कि मुझे ये बनना है। जी जी जी, वो होना चाहिए। जैसे आपकी सारी बातों से ऐसा लगा कि यार बहुत सारे जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होंगे तो वो लोगों को ऐसा लगता होगा कि मुझे आप जैसा बनना है, तो वैसे एज एन एक्टर भी लगना चाहिए ना कि मुझे आप जैसा ऐसा बनना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और देख के लगता ही है सर, आपको देख के खास लोगों को लगता होगा कि यार हमारी भी बॉडी ऐसी वैसी एकदम चकाचक हो जो ये मेंटेन करके रखा, और मुझे तो खास लग रहा है भाई यार, अब अंकित सर बैठे हैं तो उनको दिखाने के लिए तो जरूर लगना पड़ेगा। तो सर बात करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ, तो आप लोगों को तो सब देखेंगे भी, लेकिन पर्दे के पीछे का जो हीरो, असली हीरो जो रहता है ट्रू अंकित जी, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे खास पूछना चाहूँगा, ये टीम जो है खतरनाक टीम है वैसा इनको कैसे हैंडल किया, या कोई कुछ ऐसा इंसिडेंट भी हम लोगों के साथ आप हम लोगों को बताइए जो आपको खूब मजा आया और दर्शकों को भी सुन के मजा आए वो सब।
देखिए जब शुरुआत की हमने फिल्म बनाने की, जब सब कुछ फाइनल हो गया कि हम एक ये वाली स्क्रिप्ट के ऊपर काम करेंगे और इस फिल्म को हम लंदन में जाके शूट करेंगे, तो काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि एक गुजराती फिल्म को इस लेवल पे ले जाना, इंटरनेशनल लेवल पर आपको शूट करने का मौका मिले, उस तरफ ले जाने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो काफ़ी एक्साइटमेंट थी। उसके बाद जब धीरे धीरे कास्टिंग होते गई, हम कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए कि इस कैरेक्टर को कौन जस्टिफाई करेगा, उस हिसाब से ही हम कास्टिंग करेंगे। हमको कोई एक ऐसा सेफ गार्ड नहीं बनाना है, कमर्शियल पैकेज नहीं बनाना है कि हाँ इसको ले लो उसको ले लो, वैसा नहीं। तो ये सारे जो हैं तीनों कलाकार जो हैं यहाँ पे बैठे हैं, उन सभी ने अच्छे से स्क्रीन टेस्ट दिया, रोल को जस्टिफाई किया, और इस रोल को इन तीनों के अलावा और कोई नहीं कर सकता, इतना तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो कैरेक्टर की जो कॉमेडी टाइमिंग कह लो आप, या हीरोइज्म कह लो, या जो एक एक जो नेक्स्ट गर्ल नेक्स्ट डोर वाली जो फील है, वो सारी जितनी भी एक छोटी छोटी जो उसमें नुआंसेस हैं, वो सारे कुछ हैं, वो इन तीनों कलाकारों में मौजूद है। इसकी वजह से हमको बहुत मजा आया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि हम ऑलमोस्ट सारे लोग, हम तीन, ये तीन एक्टर्स, मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर, हम चारों पांचों लोग एक दूसरे के साथ पहली बार काम कर रहे थे। तो किसी को कुछ पता ही नहीं था कि कौन सा एक्टर किस टेम्परामेंट का है, या कौन सा डायरेक्टर किस तरह से हमको सीन को किस तरह से कंसीव करेगा, क्योंकि किसी को एक दूसरे के बारे में पता नहीं था जी। तो इस वजह से भी एक काफी एक पॉजिटिव चैलेंज थी कि मजा आएगा, कि एक जो स्पॉन्टेनिटी जो आती है, इम्प्रॉम्प्टू आता है, कि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, ना एक्टर प्रिपेयर है हमारी तरफ से, ना हम प्रिपेयर हैं एक्टरों की तरफ से, तो इस वजह से हमको बहुत मजा आया। दूसरा ये था कि हमारे प्रोड्यूसर ने भी हमको सपोर्ट किया, लंदन में ले जाकर हमको जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि आप, ये पूरा आप ही का शहर है, जहां हाथ रखो वहां हम शूटिंग करेंगे, और ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं जरा भी ये उनको अच्छा लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये फैक्ट है। जिस जगह पे लोग पैसा बचा के घूमने के लिए जाते हैं, हम उस जगह पे शूटिंग कर रहे हैं, तो हमारा 1+1 हो गया कि शूटिंग के साथ साथ घूमना उसी दिन हो गया। wow. तो रुकने के लिए या जो एक जो जो सेपरेट प्लान बनता है वो कुछ हुआ नहीं। तो हमारे प्रोड्यूसर ने हमको बहुत सपोर्ट किया। हमने कच्छ के अंदर भी जो शूट किया है गुजरात में, आमतौर पर क्या होता है कि 3-4 एक ऐसी फिक्स जगह है जहाँ पे गुजराती फिल्मों की शूटिंग होती है, और जब हम कच्छ कहते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ा सा रेगिस्तान आता है, सूखा दिखता है हम, या एक वो वाइट डेजर्ट की इमेज हमारे दिमाग में। बट इस फिल्म के अंदर जो हमने कच्छ दिखाने की कोशिश की है, एक देवपर करके जो गांव है छोटा सा, वहां हमने शूटिंग की है, तो हमने जो कोशिश की है कि इस तरह का ना हिंदी सिनेमा में ना कोई भी सिनेमा इस तरह का कभी कच्छ आपको देखने मिलेगा नहीं, जो हमने बताने की कोशिश की है। लंदन जितना हो सके, वैसे काफी लोगों ने हिंदी फिल्मों में देखा ही है, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश ये थी कि हम जितना हो सके उतना अच्छा दिखाएं, जितना हो सके उतना अच्छा स्केल पे दिखाएं, ताकि फिल्म बड़ी लगे, लोग बड़े लगे, एक एक्टर को देखने का जो मजा आता है थिएटर में बड़े पर्दे पर, वो ऑडियंस को मजा आना चाहिए कि फिल्म जब वो पर्दे पे जब टिकट खरीद के जाते हैं तब उनको हम क्या दे रहे हैं। तो ये हमारी बहुत जिम्मेदारी बनती है एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर कि हम दर्शकों को अच्छा प्रोडक्ट दें, अच्छी फिल्में दिखाएं, और गुजराती सिनेमा के लिए ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट मैं तो मानूंगा जो हमने अचीव करने की कोशिश की है, कि इस स्तर पर ले जाने का जो हमने प्रयास किया है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक हैं वो सारे थिएटर्स में आके इस स्तर को और ऊपर ले जाएंगे, ताकि एक अच्छा सा एनवायरनमेंट बने, एक इंडस्ट्री में एक अच्छा सा चेंज आए, और सभी लोग जो नए लोग भी हैं या जो और लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उन सभी को इंस्पायर कर सके हम, यही हमारी एक कोशिश है। क्योंकि हम जितना भी कुछ कर रहे हैं ये सब सिनेमा के लिए ही कर रहे हैं, पर्सनल अचीवमेंट के लिए, या मैं वाला हिसाब नहीं है इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसका पूरा श्रेय मैं फिर से कहूंगा कि हमारे प्रोड्यूसर सनी सुरानी को ही जाएगा। अगर वो हमें ये हिम्मत नहीं देते, अगर वो इस विजन के साथ हमारे साथ नहीं जुड़ते, और अगर वो ये हमें हौसला नहीं देते, तो शायद हम इस स्तर पर या इस लेवल की फिल्म शूट नहीं कर पाते। अच्छे कलाकार होने के साथ साथ, अच्छे टेक्नीशियन होने के साथ साथ, अगर आपके साथ इस तरह का प्रोड्यूसर ना हो तो वो टैलेंट कोई काम की नहीं। वाह, आप उसको फिर कबाट में बंद करके रख दो, उसका बाहर घूमना फिरना कुछ उसका मायने नहीं रखता है। तो वो कहते हैं ना कि हीरे की क्या परख जौहरी कर सकता है। तो जी, जी। जैसे आप जिस फील्ड से हैं कि कपड़ा देख के पता चलता है कि ये पहली धुलाई में क्या रंग लाएगा या दूसरी धुलाई में क्या रंग लाएगा। हमारी तो बस यही आपसे भी और ऑडियंस से भी यही अपील है कि प्लीज आप सिनेमा घर में जाइए। 2 सितंबर को फिल्म रिलीज हो रही है, और सबटाइटल के साथ, जैसे इन्होंने कहा मित्र भाई ने। और सबसे बड़ा ये है कि हमारी फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है,
साफ सुथरी फिल्म है, अपने माँ बाप के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, छोटे से लेके बुजुर्ग तक सारे लोग एक साथ एक ही थिएटर में देख के ये फिल्म को एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने भी हमको कह दिया है कि भाई आप यूएस सर्टिफिकेट ले लीजिए और जीरो कट फिल्म के अंदर है, कोई डायलॉग हमसे कटवाया नहीं है, कहीं बीप नहीं करवाया है, तो वहां से ही आ गया कि भाई आप फ्री हैं हमारी तरफ से, जिसको मन चाहे उसे बुलाइए और देखिए। तो बस यही है कि एक अच्छी सी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जैसे आप देख ही रहे हैं कि ट्रायंगुलर लव स्टोरी का मजा जो आने वाला है, और ये ट्रायंगुलर लव स्टोरी इसीलिए हटके है क्योंकि इसमें इतने सारे अच्छे अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, अभी पता चले कि अरे ये तो ये है, नहीं ये नहीं है और एक टर्न है, तो ये जो देखने का जो मजा है एक रोम कॉम के अंदर, वो आपको जरूर मजा कराएगा। और जो लोग लंदन नहीं गए हैं उनके लिए तो ये मतलब सोने पे सुहागा है कि घर से निकलोगे थिएटर के लिए, पहुंचोगे सीधे लंदन, ये हमारी पूरी गारंटी है। तो मैं आपसे और आपके सभी जो दर्शक हैं, आपके फैंस जो है यूट्यूब चैनल पे, उन सबसे मैं यही कहूंगा कि प्लीज आप थिएटर्स में ही जाके ये फिल्म देखें। 2 सितंबर को ये फिल्म थिएटर में रिलीज हो रही है। 2 सितंबर दोस्तों याद रखिएगा ये डेट, 2 सितंबर को सब लोग जितना हो सके, ट्विस्ट 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 बोल तो दिया है लेकिन क्या ट्विस्ट है वो पिक्चर में ही आपको मिलने वाला है, तो जरा सब ध्यान रखिएगा डेट 2 सितंबर, और पूरे परिवार के साथ, पूरी फैमिली के साथ आप इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। जो इनकी टेक्नीशियन भाषा में ये लोग जो बोलते हैं, अपनी यूए सर्टिफिकेट इनको मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग फैमिली के साथ बैठ के ये फिल्म एंजॉय कर सकते हैं। मैं सनी सुरानी सर को भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ जो हमारे साथ नहीं आ पाए, लेकिन सैल्यूट है उनकी मेहनत को और उनके जो डेडिकेशन उन्होंने दिखाया है, आप लोगों को जो सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद, और पूरी टीम का धन्यवाद, सब लोगों का धन्यवाद यहाँ आने के लिए। हमारे YouTube के माध्यम से आपने ये जानकारी लोगों तक पहुँचाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं मेरे सारे व्यूअर्स की तरफ से आपको शुभकामनाएँ देता हूँ। थैंक यू सो मच। आपकी फिल्म खूब 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 हिट हो, और जैसा मुझे लगता है कि बॉलीवुड पे टॉलीवुड ने राज किया, लेकिन आने वाले समय में हमारा गुज्जूवुड, क्या बोलेंगे इसको, गुज्जूवुड कौन क्या बोलते हैं वैसे, गुजराती फिल्म, गुजराती फिल्म को गुज्जूवुड नाम दे दे, तो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री, गुजराती फिल्म इंडस्ट्री, हमारी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री पूरी बॉलीवुड और टॉलीवुड को भी पीछे छोड़ देने वाली है, ऐसा ट्रेलर देख के मुझे लगता है। थैंक यू, और थैंक यू सर आपको और आपकी पूरी टीम को, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें बुलाया, हमारी फिल्म और आपके पैशन हमारे पैशन के बारे में इतनी बात हो सकी, और हम वेट करेंगे कि जो आपने कहा है आपके 350 लोग जो 100% सर, मैं तो कहूंगा उस दिन अगर आप लोग भी आए वो प्रीमियम शो से भी, प्रीमियम शो से भी बेहतर होगा वो शो, जो हमारे 350 लोग सब पूरे थिएटर के अंदर हमारी टीम होगी अजमेर, वही हमारी कोशिश, क्योंकि उस फिल्म से सीखने को मिलता है लोगों को, मुझे मैंने वो ऑब्जर्व किया है पूरा उसको, आपने ट्विस्ट तो खोले नहीं है लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है, वहाँ कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा इस मूवी के अंदर, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।